प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा, सारे कॉन्सेप्ट देख लिए हमारे, इनहेरिटेंस के देखे हमने, और उसके बाद हमने वेरियस टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस भी देखी हमने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस सीरीज में। अब हम आज के इस वीडियो में पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात करेंगे, है ना। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, सबसे पहले नंबर इस चीज को समझने की जरूरत है। पॉली मतलब मैनी, मॉर्फिज्म मतलब पैटर्न। ओके, सो इट मीन्स समबडी इज प्लेइंग द मैनी रोल, द इंडिविजुअल इज प्लेइंग द मैनी रोल, देयर यू कैन अज्यूम देयर इज अ पॉलीमॉर्फिज्म। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं एंड उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो एग्जाम के इंचार्ज भी हैं और वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हैं अपने डिपार्टमेंट के। मतलब दैट सिंगल पर्सन हु इज अ प्रोफेसर नॉट ओनली वर्किंग इन द प्रोफेसर रोल, वो आपके एग्जाम इंचार्ज के फॉर्म में भी काम कर रहा है एंड ही इज ऑल्सो वर्किंग एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो एक ही व्यक्ति मल्टीपल फॉर्म्स में काम कर रहा है ना, सो दैट इज व्हाट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म। अब यदि हम पर्टिकुलरली पाइथन की बात करें तो पाइथन में जो पॉलीमॉर्फिज्म है उसको इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसको, और एक हम फंक्शन ओवरराइडिंग के थ्रू करते हैं। बट इस सब में एक जो प्रीवियस प्रोग्रामिंग्स में जो कॉन्सेप्ट्स होते थे कंपाइल टाइम एंड रन टाइप की, सो विद रिस्पेक्ट टू द पाइथन इफ आई टॉक, हमारे पास पाइथन में डायनेमिक टाइपिंग ही है। डायनेमिक टाइपिंग का मतलब क्या है, जो मैंने आप प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि फॉर एग्जांपल एक्स इज इक्वल टू 5 मैंने लिखा हुआ है, तो इस डिक्लेरेशन के टाइम पर आपने पाइथन वर्चुअल मशीन को नहीं बताया है कि ये एक्चुअली इंटीजर टाइप का डेटा है। व्हेन यू प्रिंट द टाइप ऑफ दिस, दिस एक्स, सो इट्स नाउ इंटीजर, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ये कि ये क्लास इंटीजर टाइप की क्लास जो है उसका एक ऑब्जेक्ट है, बट यू हैव नॉट एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड इट। तो पाइथन वर्चुअल मशीन ने इंटरनली जो 5 वैल्यू को फाइंड करा, उसने अज्यूम करा कि भाई ये जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। सो फॉर द पाइथन देर इज वन वन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट वी कॉल अ डक टाइपिंग फिलोसफी। मतलब इन अ पाइथन वन स्टेटमेंट इज देयर, इफ यू एक्ट लाइक अ डक, इफ यू बिहेव लाइक अ डक एंड लुक्स लाइक अ डक, द पाइथन विल अज्यूम यू एज अ डक। फॉर एग्जाम्पल यदि आपने इंटीजर वैल्यू पास की है आपके वेरिएबल में तो उसको इंटीजर कंसिडर कर लेगा, यहीं पर यदि मैं उसको फ्लोट वैल्यू पास करता तो वो आपको फ्लोट वैल्यू कंसिडर करेगा। ठीक है, अब जब पाइथन डायनेमिक टाइपिंग का ही यूज करता है तो हम कैसे इसको डिफरेंशिएट करें, है ना। सो टू डिफरेंशिएट द पॉलीमॉर्फिज्म, दैट हाउ वी इम्प्लीमेंट द पॉलीमॉर्फिज्म इन द पाइथन, वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू, आई मीन टू से दैट इज नॉट ओनली फंक्शन ओवरलोडिंग, दैट इज अ ओवरलोडिंग जिसमें हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में बात करेंगे और मेथड ओवरलोडिंग के बारे में भी बात करेंगे, एंड वी विल चेक फॉर द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ऑल्सो एक्सप्लिसिटली। इसके अलावा हम दूसरा तरीका जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, हम ओवरराइडिंग पे काम करेंगे, तो हम उसमें मेथड ओवरराइड करने की कोशिश करेंगे और कंस्ट्रक्टर को भी हम ओवरराइड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले नंबर हम इसकी डक टाइपिंग फिलोसफी को समझते हैं कि डक टाइपिंग फिलोसफी क्या है। इन दिस सपोज आई एम हैविंग वन क्लास, सपोज द क्लास इज बर्ड एंड हियर आई एम डिफाइनिंग वन फंक्शन दैट इज फ्लाई, पास सेल्फ एंड जस्ट वी आर राइटिंग हियर फ्लाई विद विंग्स। हियर वी आर टेकिंग वन मोर क्लास दैट इज क्लास एरोप्लेन, एयरप्लेन इज देयर टेकिंग द सेम फंक्शन हियर आई एम राइटिंग द एरोप्लेन फ्लाई एयरप्लेन फ्लाई
with it fly with fuel. Suppose I'm taking the third class here. This class is nothing. Suppose it's a fish. Again, I'm defining the same function here. And here I will write cannot fly, it swims. अब हमने तीनों क्लासेस ली हैं एंड सपोज हियर आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट लिस्ट. मैं एक लिस्ट बनाता हूं जिसमें मैं सारे ऑब्जेक्ट्स को कॉल कर रहा हूं. फॉर एग्जांपल मैंने वर्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है. देन आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट फॉर एयरप्लेन. क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट फॉर फिश. तीनों ऑब्जेक्ट्स को जब मैं इटरेट करता हूं फॉर एवरी वैल्यू इन एल एंड आई कॉल द आई डॉट फ्लाई. व्हेन आई कॉल आई डॉट फ्लाई फंक्शन व्हेन आई रन दिस कोड. सो कैन यू सी दिस वर्ड फ्लाई विद विंग्स, एयरप्लेन फ्लाई विद फ्यूल एंड फिश कैन नॉट फ्लाई इट स्विम्स. सो फॉर एवरी ऑब्जेक्ट द पाइथन वर्चुअल मशीन was capable to identify the function as per the classes. So that kind of philosophy is nothing. It's a duck typing philosophy. मतलब मैंने यदि word दिखाया तो उसने word को accept करा. मैंने airplane दिखाया तो airplane के fly को accept करा. यदि मैंने fish दिखाया तो fish के उसने fly को accept करा. It means what kind of data I am passing to the Python virtual machine. It is considering that data. This is what the concept of duck typing. अब Python में हम जब polymorphism को implement करते हैं, so we are having two ways. One is overloading. Second one is overriding. So first of all, we are discussing about overloading. इसमें मैं ओवरलोडिंग की यदि बात करूं तो पर्टिकुलरली फर्स्ट लेट वी डिस्कस अबाउट द ऑपरेटर ओवरलोडिंग. ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब क्या है? आपने प्रीवियस प्रोग्रामिंग्स में C++ जावा में भी देखा है कि भाई यदि मेरे पास प्लस ऑपरेटर है, इस प्लस ऑपरेटर की टास्क जो है ऐड करने की है ना. So it is working fine for the integer. It is working fine for float values. Is it working fine for the string? Is it working fine for any user defined class? तो जब हम plus को arithmetic operators के form में use कर रहे हैं, it is working fine. It is working with the string fine. But when we define the user defined class और मैं चाहता हूँ कि उसके दो objects को add कर दूँ मैं, है ना? तो ये प्लस ऑपरेटर उस तरीके से वर्क नहीं करेगा जिस तरीके से ये आपको प्रीवियस वैल्यूज पर वर्क कर रहा है, लाइक स्ट्रिंग पर और अरिथमेटिक वैल्यूज पर. सो व्हाट वी नीड टू डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि मैं इस प्लस ऑपरेटर को यूज करना चाहता हूँ मेरे वर्क के लिए, है ना, फॉर माय टास्क आई वॉन्ट टू यूज दिस प्लस ऑपरेटर, है ना. तो मैं किस तरीके से करूंगा? टू डू दिस आई हैव टू डू द ऑपरेटर ओवरलोडिंग. अब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैसे करते हैं ना, लेट बी टेक वन एग्जांपल हियर. हम इस प्लस को ही ओवरलोड करते हैं. मैं एक क्लास बनाता हूं, दैट क्लास इज नथिंग, इट्स अ ए. फॉर दिस ए क्लास आई एम डिफाइनिंग वन ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, एक सेल्फ को लेगा और साथ में एक वैल्यू ले रहा है ए. एंड व्हाट इज द टास्क ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर? फॉर अ ऑब्जेक्ट वेरिएबल और आई विल से द इंस्टेंस वेरिएबल, इट विल जस्ट असाइन द वैल्यू ऑफ ए.
नाउ आई वॉन्ट टू ओवरलोड टू काइंड ऑफ ऑपरेटर्स हियर. सो इंस्टीड ऑफ प्लस वी विल सी द प्लस लेटर, बट लेट मी टेक आई वॉन्ट टू कंपेयर द वैल्यूज ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट. सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट ए में कोई वैल्यू ले रहा हूँ, मैं उसको कंपेयर करना चाहता हूँ दूसरे के साथ. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि भाई किस तरीके से हम इस ओवरलोडिंग को प्लस के प्लेस पर कंपैरिजन के लिए करेंगे, है ना. तो आपको एक बात ध्यान देना है, यहाँ पर पाइथन में हर ऑपरेटर की करस्पॉन्डिंग एक स्पेशल मैजिक मेथड जो है आपको डिफाइन की गई है, ठीक है. अब यदि मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मैं लेस देन पर बात कर रहा हूं, मैं इक्वल टू पर बात कर रहा हूं फॉर माय रिक्वायरमेंट, तो आपको जो स्पेशल मेथड डिफाइन की गई है दैट इज योर अंडरस्कोर अंडरस्कोर एलटी मेथड दैट बेसिकली यूज्ड फॉर द लेस देन. अब इसमें एक बात हमें ध्यान रखना है, यदि मुझे कंपैरिजन कराना है इस मेथड में तो मेरा पहला आर्गुमेंट तो ऑब्जेक्ट खुद रहेगा जिसके साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ. इसके अलावा इस मैजिक मेथड में मैं एक दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए रेफरेंस पास करूंगा, सपोज दैट इज अदर. नाउ व्हाट आई एम डूइंग फॉर दैट कंपैरिजन, आई एम राइटिंग द कोड हियर. तो मैं किस तरीके से कोड में कंपैरिजन लिखूंगा, मैं चेक करूंगा इफ सेल्फ डॉट ए, मतलब जो करेंट ऑब्जेक्ट है मेरा उसकी वैल्यू यदि अदर डॉट ए से, मतलब जो कि मैं नया ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूं इसमें, इस वैल्यू से छोटी है, तो व्हाट आई विल रिटर्न, सिंपली आई विल रिटर्न ऑब्जेक्ट वन इज लेस देन ऑब्जेक्ट टू. सिमिलरली इफ आई वॉन्ट टू कंपेयर विद द इक्वल टू, सो दैट इज अंडरस्कोर अंडरस्कोर ईक्यू underscore underscore, then I will pass the same in object in the same way, suppose that is other. What I will do, simply I have to write the code here, that is if self dot a is equal to self dot, sorry, other dot a, a, what I will return, simply I will return both are equal, otherwise what I will return in a else section, I will return not equal. What I've done here, मैं केवल इस less than operator का जो इस LT function के through magic method के through इस operator के लिए work कर रहे हैं, इसी तरीके से equal to operator के लिए जो method है आपकी magic method वो है underscore underscore EQ underscore underscore. यदि मैं दो objects बनाता हूँ इस class को define करने के बाद, suppose class A का मैं object one बनाता हूँ, here object one is equal to class A and I'm passing value here two. Now I'm having object 2 is equal to suppose a and passing value 3. When I compare the object 1 is less than object 2. When I run this code, so can you see this? It is returning the value, yes, object 1 is less than object 2. Kyunki object 1 ki value jo hai 2 hai aur object 2 ki value kya hai aapki 3 hai. If I do in a reverse order, it's returning nothing because क्योंकि else section में हमने क्या लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा else, यहाँ पर मैं simply I will return the vice versa here, है ना. So what I will return here, return object one is not less than object two. Fine. So again, when I run this code, so can you see this? Object 1 is not less than object 2. So that is what the way by which we can define a magic method that is corresponding to the particular operator, जो less than operator के लिए थी हमारी और जो हमारे ये equal to operator के लिए था. So this method is basically for less than operator. This method is for
In this way, there are a number of methods available in the Python. So just you need to call these methods with the help of object reference. I will say you need to write the code for these methods and overload these methods, and your operator will be working for your defined class. है ना? एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम. सपोज मेरे पास एक क्लास है जर्नल्स. लेट आई राइट डायरेक्टली कोड हियर. जर्नल क्लास है हमारी, और इस जर्नल क्लास में क्या होता है कि हर जर्नल के करस्पॉन्डिंग उसके नंबर ऑफ पेजेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक जर्नल है, वो जर्नल अपने जर्नल में नंबर ऑफ पेजेस मेंटेन करके चल रहा है. यदि वो अपने नए जर्नल है तो वो टोटल नंबर ऑफ पेजेस अपने कैलकुलेट करना चाहता है कि भाई मेरे जर्नल में कितने पेजेस हैं टोटल, सारे जर्नल्स को मिलाकर हाउ मेनी पेजेस इट मतलब द पर्सन हैज टू प्रिंट. तो हम एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं इसमें. सपोज दैट इज अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर, हियर आई विल पास द सेल्फ. और यहां पर मैं क्या वैल्यू पास कर रहा हूं, यहां पर मैं उसके जर्नल के पेजेस पास कर रहा हूं. मुझे क्या करना है, सेल्फ डॉट पेजेस इज इक्वल टू आई विल जस्ट टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर. जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में लिया है, यहाँ पर देखिए आप एक ही वैल्यू को हमने पास कराया है यूजर से यहाँ पर, है ना. अब मुझे क्या करना है, जिस तरीके से मैंने ग्रेटर देन को ओवरलोड करा था, इसी तरीके से फॉर एडिशन यू आर हैविंग वन मेथड दैट इज एड. इसको भी हम सेल्फ और अदर ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे. हमने पहला ऑब्जेक्ट लिया, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट लिया उसके लिए. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें सिंपली क्या रिटर्न करना है, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्लास मुझे इन दोनों की वैल्यू सम करके देना है. तो मैं कैसे सम करूंगा, फॉर द करेंट ऑब्जेक्ट द नंबर ऑफ पेजेस एंड फॉर प्लस द अदर ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ पेजेस. व्हेन आई विल रिटर्न दिस सो इट विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ पेजेस, है ना. व्हाट डज इट मीन एग्जैक्टली, यदि मैं जर्नल के लिए दो बनाता हूं, सपोज जर्नल एंड हियर आई एम पासिंग वैल्यू, सपोज इट इज हैविंग द 10 पेजेस, देन आई क्रिएट J2 एंड सपोज दिस जर्नल इज हैविंग 20 पेजेस एंड हियर आई वांट टू प्रिंट टोटल नंबर ऑफ पेजेस टू प्रिंट. आई एम जस्ट पासिंग टू ऑब्जेक्ट. सपोज वो ऑब्जेक्ट्स में कौन से पास कर रहा हूँ, यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट्स जो मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पर मैं सपोज दैट इज J1 प्लस J2. अब जब दोनों ही जर्नल्स को मैंने पेजेस डाल दिए हैं एंड आई एम पासिंग दिस वैल्यू फॉर J1 प्लस J2 एंड व्हेन आई रन दिस कोड यू कैन सी द आउटपुट, द टोटल नंबर ऑफ पेजेस टू बी प्रिंट इज 30. लेकिन यदि प्रीवियसली मैं देखता, यदि मैं इस मेथड को डिफाइन नहीं करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जस्ट सी हियर एंड दिस मेथड इज नॉट डिफाइंड एंड आई रन दिस कोड, सो कैन यू सी दिस अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर प्लस जनरल एंड जनरल, बिकॉज दिस इज द यूजर डिफाइंड क्लास एंड फॉर दिस द प्लस ऑपरेटर इज नॉट वर्किंग. सो वॉट इज हैपनिंग हियर, व्हेन आई एम ओवरलोडिंग दिस मेथड दैट इज That is again now. Uncomment करता हूँ मैं. So this method and you can see the total number of pages are 30. So what we have done, we are performing the intended task of the addition by using the plus operator here. But by overloading, है ना? So this is what the way to implement the overloading. Now come to this is what the way actually to implement the operator overloading only. Now we talk about the method overloading. Overloading का मतलब क्या है कि एक क्लास है आपके पास, suppose that class is A, and in this class I am having one method that is M. And passing self here, or here I am saying for this M method, we are just printing this is M method. But at the same time,
इफ आई वॉन्ट टू ओवरलोड दिस ओवरलोड मैथड ओवरलोडिंग का मतलब क्या होगा, वी आर हैविंग अ मैथड इन अ सेम क्लास बट विद द डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर, सो जस्ट वी नीड टू चेंज द प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन हेयर, देन वी विल बी एबल टू डू द मैथड ओवरलोडिंग. सो सपोज आई एम टेकिंग दिस एम मैथड अगेन, एंड फॉर दिस एम मैथड आई एम पासिंग द सेल्फ द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, देन आई एम पासिंग वन वैल्यू ए, एंड आई एम ट्राइंग टू प्रिंट हेयर प्रिंट m method with one argument. Now I am defining one more method here, self comma a comma b, and I am taking the same code from here. This m method with, तो हमने क्या करा, सेम मेथड को हमने ओवरलोड कर दिया. लेट आई क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस. सो ए इज इक्वल टू ए, क्लास इज हियर. व्हेन आई कॉल ए डॉट एम, सो कैन यू सी इट इज आस्किंग फॉर मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ए एंड बी. व्हाट डज इट मीन एग्जैक्टली, वी हैव ओवरलोडेड द मेथड, हमने ओवरलोड करा है हर मेथड को, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, पाइथन में जो आपकी फंक्शन ओवरलोडिंग है दैट इज नॉट सपोर्टेड. बेसिकली पाइथन में फंक्शन ओवरलोडिंग नाम की चीज आपकी नहीं होती, बिकॉज दे हैव गिवन सम अनदर सॉल्यूशन टू हैव दिस फंक्शन ओवरलोडिंग. इसमें क्या हो रहा है, आपने जब इन फंक्शंस को ओवरलोड कर दिया है तो ये इन दोनों फंक्शन से कोई मतलब नहीं है इसको, मतलब इट इज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फंक्शन. It is expecting the last of m that is defined. मतलब आपने जितने भी फंक्शन को एक के ऊपर एक m को ओवरराइट कर दिया है वो लास्ट वाले फंक्शन को रेफर कर रहा है. सपोज इफ आई एम पासिंग हियर 4, 5, व्हेन आई रन दिस कोड यू कैन सी द m मेथड विद टू आर्ग्यूमेंट्स. मतलब आप यदि क्लास में सेम नेम से मेथड को डिफाइन करते जाते हैं, सो द लास्ट मेथड दैट इज हैविंग द सेम फंक्शन नेम बट मे बी द डिफरेंट पैरामीटर्स हियर. So that will be called. So the function overloading in Python is not supported. तो किस तरीके से function overloading को overcome करने की कोशिश की है Python में, आपने देखा होगा हमने एक concept पढ़ा था, that is a very important concept, the variable length argument. इस variable length argument concept में हमने देखा था कि हम एक अपनी class बनाते हैं suppose, और इस क्लास में इसका नाम हम ए देते हैं, और फॉर दिस क्लास वी आर डिफाइनिंग अ सम फंक्शन फॉर एग्जांपल, एंड फॉर दिस सम वी आर पासिंग अ वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट दैट इज वेर ए, और वेरिएबल लेंथ ए है यदि तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके आगे स्टार लगाना पड़ेगा. अगेन रिमेंबर नो पाइथन, पाइथन इज नॉट हैविंग द पॉइंटर कॉन्सेप्ट हियर. सो मुझे क्या करना है, मैंने देखा था आपको बताया था कि फॉर आई इन वेर ए I will take one variable here, that is sum1 is equal to 0, and what I need to do, simply I will do the sum1 plus equal to, that is I, and simply I will return, and instead of returning the value, let I print here, print sum is sum1. Finally, here is the sum. So when I run this code, it's for I. It should be for I in where it should not be this. So can you see this? When I call this function by creating the object a, and when I call a dot sum, when I do for one value, you are having the sum is equal to 1. At the same time, I do it for the two values. 1, 2, you are having sum as a 3. So that is what the way by which the Python has supported the function overloading. तो आपको क्या लगता है कि इस concept के होने के बाद do we require to have this one? No. So this is a method overloading. I should use the word method because we are learning about the object oriented concept here. So here you can see the method overloading is the solution for the method overloading is given by this variable length concept. तो इस तरीके से
मेथड की जो ओवरलोडिंग है वो पाइथन में हम वेरिएबल लेंथ के थ्रू करते हैं, वी आर नॉट हैविंग दिस कॉन्सेप्ट हियर। अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात है, आई टोल्ड यू द कंस्ट्रक्टर इज ऑल्सो द मेथड, है ना, और वो कौन सी मेथड है, इंस्टेंस मेथड की तरह हमने उसको यूज करा। जब कंस्ट्रक्टर को हमने इंस्टेंस मेथड की तरह यूज करा है, तो यदि मैं ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को लेट बी अप्लाई ओवर द कंस्ट्रक्टर हियर, टेकिंग दिस आई एम चेंजिंग द नेम ऑफ दिस मेथड इज अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट, दिस इज व्हाट द कंस्ट्रक्टर, लेट आई डिफाइन इट अगेन, so when I run this code there should be okay, method m is not there, so what is happening here, this do not require to be called, simply you can see I'm just creating one object here, and for this object just like a normal method this constructor is calling this constructor only, because it is defined in the last, so if I'm passing two arguments here, can you see there is no errors, m method with two arguments. So same concept that has been discussed for the method overloading, for the normal method overloading, same applicable for the constructor here. So what you need to do, if you want to deal with the constructor with the variable length argument, so what I need to do, let I take this code. Simply in this, we put this code here. And putting this code, what I need to change here, I have to pass the variable length argument. And this is all about the constructor only. So when we take this one here, can you see the sum is 5 when we are calling, just we are creating the object here. जब हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करा तो आपके पास कंस्ट्रक्टर के थ्रू देखा आपने ऑब्जेक्ट आपके वेरिएबल लेंथ के थ्रू लिया उसने और 5 दे दिया आपको, सो दैट इज व्हाट द वे टू डील विद द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एज वेल एज द फंक्शन ओवरलोडिंग इन द पाइथन। तो हमने क्या देखा इस ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट में, हमने मेथड ओवरलोडिंग और ऑल्सो कॉल्ड द फंक्शन ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है ना। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म दैट वी हैव डिस्कस्ड। In the next video, we will be discussing about the overriding. So for this video, it's all from my side. Thank you.